बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह मुझे बहुत प्यार करते हैं। यीशु मसीह मुझे बहुत प्यार करते। वेरी गुड। यीशु मसीह मुझे बहुत प्यार करते। वेरी गुड मेगा। चल आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय में पत्रस का यीशु को मसीह स्वीकार करना, इसके बारे में आज हम देखेंगे। यीशु मसीह केसरिया फिलिपियों के प्रदेश में आया, तभी अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं? तो तुरंत चेले लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं आप योहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ लोग कहते हैं एलिया, कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह, कुछ लोग कहते हैं भविष्यद्वक्ता में एक है। तो तुरंत यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तो तुरंत उस समय शिमोन पत्रस पता है ना कौन था, मछली नहीं मिला था, पूरी रात मेहनत किया, बाद में बोट भर के मछलियां मिला। यीशु ने कहा गहराई में जाओ, फिर जाके जाल डाला, तब उनको बोट भर के मछलियां मिला, वो पत्रस है। तो फिर सब छोड़ के यीशु के पीछे चला गया। वो पत्रस यहाँ कहता है यीशु मसीह के पास, तुम जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो तुरंत यीशु मसीह कहते हैं, तुम धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरा पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। ऐसे करके यीशु मसीह कहा और बोलते हैं यीशु मसीह, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलिशिया बनाऊंगा और अधलोक फाटक इसके ऊपर प्रबल न होगा। ऐसे करके बोलते हैं, फिर बोलते हैं स्वर्ग की कुंजियां मैं तुम्हें दूंगा, जो भी तुम पृथ्वी में बांधेगा वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, जो भी खोलेगा पृथ्वी पर वो स्वर्ग में भी खुला जाएगा करके यीशु मसीह कहते हैं। आज इसके अंदर से हम भी कुछ सीखेंगे, पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। तुम लोग सब छोटेपन से ही जानना है यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का पुत्र मसीह है। कौन है बेटा? परमेश्वर का पुत्र मसीह है। देखो तुरंत यीशु मसीह कहते हैं तुम धन्य है, तो हम लोग जान लिया ना परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है करके, इसलिए हम आज इधर आ गए ना चर्च में। हम क्यों आए? हमको पता चल गया यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, पिता ने हमारे लिए दे दिया अपने, हम लोग पापी थे, हमारा हमको पाप से छुटकारा देने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को दे दिया, इसलिए हम लोग जान लिए है यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, पुत्र है, मसीह है, रक्षक है, वही है उद्धार करता है ना। देखो तुरंत यीशु मसीह जो जो लोग जान लिए हैं उनके ऊपर अपना कलिशिया को बनाते हैं। यहां देखो पत्रस ने बोला, तुरंत यीशु ने कहा तुम पत्रस हो, इस पत्थर पर मेरा मैं अपना कलिशिया बनाऊंगा। देखो हम सब इधर बैठे हैं ना, तो हम सब के ऊपर यीशु मसीह अपना कलिशिया को बनाएंगे। हम कौन है? हम यीशु मसीह का शरीर का एक अंग है, अंग है ना, कलिशिया यीशु मसीह का शरीर है। तब हम लोग कौन है? उस शरीर का एक एक अंग है। सर कौन है? यीशु मसीह है। तो हमारे ऊपर अपना कलिशिया को
बनाते हैं, प्रकटीकरण देते हैं, रोशनी देते हैं, हम भी यीशु मसीह के ऊपर स्थिर रहते हैं, है ना। यीशु मसीह कौन है? चट्टान है ना। उस चट्टान के ऊपर हम अपना घर को बनाएंगे तो हम भी क्या होते हैं? एक पत्थर जैसे स्थिर रहेंगे। तो हमारे ऊपर यीशु मसीह हमारे अंदर अपना कलिशिया को बनाते हैं। इतना ही नहीं, कलिशिया बनाते हैं और अधिकार भी देते हैं। जो कोई भी यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा, पुत्र, मसीह करके समझ लेते हैं तो समझो हमारे हमको यीशु मसीह क्या देते हैं? अधिकार देते हैं, देते हैं ना। स्वर्ग राज्य के कुंजियां दूंगा, मतलब चाबी, चाबी है ना। देखो चाबी क्या बताता है? एक मकान है, हैं? ले बेटा चाबी ले लो, जाके तुम रहो करके बोलेंगे तो क्या होता है? हमको अधिकार मिल गया ना, उसको हम आराम से खोल सकते, डरेंगे नहीं। क्यों? मालिक ने चाबी दे दिया, जाओ खोलो, मैं क्यों डरूं, है ना। वो एक अधिकार को बताता है। जो भी तुम पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। शैतान की कामों को क्या करना? बांधना। यीशु के नाम से मैं बांधती हूं करके हम बोलेंगे ना, बांधा जाता है। यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन खुल जाए, हम बोल के खुलेंगे ना, खुल जाता है। हमको यीशु मसीह अधिकार दिया, और भी कुछ अधिकार दिया ना, सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने के लिए अधिकार दिया। कुछ भी हमको हानि नहीं कर पाएगा, समझ आता है। ये सब अधिकार, ये सब किसको मिलता है? जो यीशु मसीह पिता का बेटा करके समझते हैं उनको दिया जाता है। वो लोग धन्य है। हम लोग कौन है बेटा? धन्य है, बोलो मैं धन्य हूँ। यीशु मसीह मेरा रक्षक है, मेरा उद्धार करता है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मसीह है, मैं जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मुझ में है, जीवित है। यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में मनुष्य के पुत्र के रूप में आया, मेरे लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठ गया, आज भी जिंदा है, आने वाला है, मुझे लेके जाएगा। विश्वास है, बोलो यही है धन्य आशा। वेरी गुड, समझ आया। देखो अधोलोक का फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है? कोई भी कलिशिया के ऊपर, चर्च के ऊपर कुछ भी दुष्ट शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह रक्षक है। और एक है, पत्रस को बोला ना यीशु मसीह, इस पत्थर के ऊपर मैं अपना कलिशिया बनाऊंगा। हम हर एक 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 यीशु मसीह का शरीर का अंग है। हमारे ऊपर यीशु मसीह अपना कलिशिया को बनाते हैं। हमारे ऊपर भी अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। मृत्यु हमको छू नहीं पाएगा। क्यों? मृत्यु के सरदार को अपनी मृत्यु के द्वारा नाश कर दिया, क्रूस पे जय जयकार की ध्वनि सुनाया, फिर शैतान के सारे अधिकार को छीन लिया। अभी यीशु मसीह के पास सारे अधिकार है, अपने हाथ में है, इसलिए देते हैं ना। देखो कुछ मेरे पास ये है, ये पेन है, ये पेन है, इसलिए मैं इसको पेन दूंगी। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं तो मैं क्या दूंगी? शैतान झूठ बोलता है,
मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, उसके पास कुछ भी नहीं है। सब क्या किया यीशु मसीह क्रूस पे, उनके सारे अधिकार सब कुछ छीन लिया, उसको कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया। उसके पास कुछ भी नहीं है, वो अंधकार में बैठता है, सिर्फ नफरत क्रोध जलन इससे भरा रहता है, वही देता है। यीशु मसीह हम प्रेम से भरा हुआ है, उसके हाथों में स्वर्ग राज्य की कुंजियां है, एक नहीं बहुत सारे, सब हाँ स्वर्ग और पाताल सबका कुंजियां उसके हाथ में है। सबके ऊपर राजा है, राजाओं का राजा है, उसके पास सब है। जो भी तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। तुमको चंगाई चाहिए, चंगाई मिलेगा। ज्ञान चाहिए, ज्ञान मिलेगा। पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा। खुशी चाहिए, खुशी मिलेगा। सबसे बढ़कर अनंत जीवन देता है। क्या देता है बेटा? बोलो, अनंत जीवन देता है ना। वो हमारा रक्षक है, वो आने वाला है, हमको लेके जाएगा। यीशु मसीह कौन है? जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह। जीविते परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो मर के जी उठा, आज भी जिंदा है। बोलो, आज भी जिंदा है यीशु मसीह, जिंदा है यीशु मसीह, जिंदा है। वेरी गुड। जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह। समझ आ गया? गाना गाएंगे? गाओ। जो है जो था, जो आने वाला, आदि और अंत है तू। तू है अल्फा, तू है ओमेगा, तेरा ही राज सदा रहे। जो है जो था, जो आने वाला, आदि और अंत सदा रहे। यीशु मसीह आने वाला है, जो था, जो है, जो आने वाला है, वो हमको लेके जाने के लिए, वो राज करता है, वो राजाओं का राजा है। समझ आ गया? प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इन छोटे छोटे बच्चों के अंदर प्रभु आप कौन है करके इन लोग जानना है। पिता, आपको जानना ही अनंत जीवन है। यीशु मसीह कौन है? वो जीविते परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है करके हमारे बच्चे लोग जानना है। हम लोग धन्य है, हालेलुया। हमारे ऊपर प्रभु आप अपना कलिशिया को बनाते हैं, अधोलोक फाटक प्रभु हम किसी के ऊपर भी प्रबल नहीं हो पाएगा, हालेलुया। आप हमें प्रभु स्वर्ग का राज्य का कुंजियां दिया है, आप हमें अधिकार दिया है, हालेलुया। आप हमें प्रभु बेटा बेटी बना दिया इस सुंदर प्रभु समय के लिए, वचन के लिए धन्यवाद। ऐसे प्रभु हमको आप, हालेलुया, ऐसे पिता हमको उत्तम भाग मिल गया है, यीशु मसीह आप मिल गया है हमें। धन्यवाद पिता, आपके हाथों में इन सारे बच्चों को हम समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन।